हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर क्लास हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री, जिसके अंदर हम आज पढ़ रहे थे वैदिक सिविलाइजेशन हम पढ़ रहे थे। अब हम वैदिक सिविलाइजेशन के अंदर जो पढ़ रहे थे, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो है उत्तर वैदिक काल। कौन सा चल रहा था? उत्तर वैदिक काल चल रहा था। उत्तर वैदिक काल हम पढ़ रहे थे, तो उत्तर वैदिक काल में जो हमने अध्ययन करना शुरू कर दिया था, तो उत्तर वैदिक काल में जो हमारा चैप्टर है वो अब चल रहा है समाज पर। आज हम जो अध्ययन करेंगे उत्तर वैदिक काल का समाज या सामाजिक स्थिति, ठीक है? तो उत्तर वैदिक काल का समाज या सामाजिक स्थिति का हम यहां पर आज अध्ययन करेंगे। तो पहला है समाज का वर्गीकरण, ठीक है, समाज का वर्गीकरण। दूसरा है परिवार। तीसरा टॉपिक है विवाह। चौथा टॉपिक है रहन सहन, ठीक है। रहन सहन के बाद में मनोरंजन हो गया, खान पान हो गया, रहन सहन हो गया, खान पान और मनोरंजन, ये यहीं पे एक साथ कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें पढ़ने लायक। और ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स ही हमें क्या है प्रॉपरली इसकी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। तो अब हम जैसे अध्ययन कर रहे हैं समाज का वर्गीकरण, तो हमने ऋग्वेदिक काल में भी अध्ययन किया था कि जो हमारा वैदिक काल का समाज है वो विभाजित होना शुरू हो चुके हैं, उसमें विभाजन दिखाई देना प्रारंभ हो चुका है। तो उत्तर वैदिक काल से हमें क्या है, ये विभाजन जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। ऋग्वेदिक काल में हमें कुछ साइंस मिले थे, यानी कुछ साक्ष्य मिले थे, जिसके आधार पर हम कह सकते थे कि वहां पर क्या है जो समाज है वो वर्गीकृत होने शुरू हो गए। परंतु उत्तर वैदिक काल में हम स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं कि समाज का वर्गीकरण हो चुका था। तो अब जो समाज है वो क्या है, चार वर्णों में विभक्त है, चार वर्णों में विभक्त। कौन से चार वर्ण हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है, ये चार वर्ण हैं। तो जब हम ये टॉपिक हेडिंग डालेंगे कि समाज का वर्गीकरण, तो समाज का वर्गीकरण जैसे ही हम टॉपिक हेडिंग डालेंगे तो उसमें हम थोड़ा बहुत लिखेंगे, दो तीन लाइनें हम लिखेंगे, जिसमें हम मेंशन करेंगे कि आखिरकार जो उत्तर वैदिक काल है उसका समाज वर्गीकृत होना शुरू हो चुका है। ऋग्वेदिक काल में जो समाज स्पष्ट रूप से विभाजित नहीं था, उत्तर वैदिक काल में आके वही समाज अब स्पष्ट रूप से विभाजित हो चुका है। तो अब समाज का क्या वर्गीकरण हो चुका है, तो इसकी क्या कह सकते हैं, इस चीज की गवाही कौन दे रहा है? हमें उत्तर वैदिक कालीन साहित्य बताते हैं कि उत्तर वैदिक काल में समाज स्पष्ट रूप से विभाजित हो चुका था, और यह है मुख्य रूप से चार वर्णों में विभाजित था। तो ये चार वर्ण कौन कौन से है? चार वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि आखिरकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बारे में, ठीक है। तो जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये चार वर्ण थे। क्या है? चार वर्ण, वर्ण है ये। अब हमें क्या है कि फर्स्ट टॉपिक हमारा समाज का वर्गीकरण हो गया, ठीक है। अब इसी में पहला पॉइंट हम डालेंगे ए बी सी डी कर लेंगे, ठीक है, और इसी को हम डिस्क्राइब करेंगे, यानी इसकी व्याख्या अब हम करेंगे। तो ब्राह्मण, अब हम बताएंगे कि ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में हमें ये उल्लेख मिलता है कि विराट जो पुरुष है
उसके मुख से हमें क्या ब्राह्मण उत्पन्न हुए, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। ये पुरुष सूक्त में उल्लेख मिलता है, ठीक है। अब हम ये बताते हैं इसका उल्लेख हमें अन्य वैदिक साहित्यों में भी मिल रहा है। फिर हम ब्राह्मण में क्या लिखेंगे कि वैदिक कालीन साहित्य के अनुसार ब्राह्मण वर्ण के अंतर्गत वो आते हैं जो कि अध्ययन करते थे, अध्यापन करवाते थे, यानी जो खुद अध्ययन करे और लोगों को पढ़ाए, दूसरा यज्ञ इत्यादि करे, धर्म से जुड़े हुए कार्य करे, कृषि करे, और मूल रूप से धर्म के काम करे, यज्ञ इत्यादि करे, वो यज्ञ करे, वो कौन है? ब्राह्मण है। तो यहां पर हमें बताना होगा ब्राह्मण कौन कौन से काम करते थे, ठीक है। तो ब्राह्मण वर्ण के अंतर्गत हम बताएंगे ब्राह्मण ये काम करते थे। क्षत्रिय, तो क्षत्रिय वर्ण के अंतर्गत वो व्यक्ति आते थे जो कि सुरक्षा का दायित्व उनके हाथों में था, वह लोगों की रक्षा करते थे, कृषि का कार्य करते थे, अध्ययन करते थे। अध्ययन करना, कृषि कार्य करना, सुरक्षा का काम करना, यह योद्धा वर्ग था, और यह काम किसका है? क्षत्रियों का। वैश्य वर्ण, वैश्य वर्ण का काम है यज्ञ करवाना, यज्ञ करना नहीं, यज्ञ करवाना पुरोहितों से, और फिर इसके बाद में जो अध्ययन करना, व्यापार करना, यह काम किसका है? वैश्य वर्ण का था। और शूद्र वर्ण का काम क्या है? इन तीनों वर्णों की सेवा करना। शूद्र वर्ण का काम क्या है? इन तीनों वर्णों की सेवा करना। अब जो शूद्र वर्ण है वो इनकी सेवा कर रहा है। अब यहां पर समाज में हमें जो अगला जो वर्गीकरण दिखाई देता है, चार वर्ण तो दिखाई दे गए, अब जो हमें एक और पॉइंट इसमें बनाना है वो है अछूत जातियों का उदय। यहां पर अस्पर्श जातियों का भी उल्लेख मिलना शुरू हो जाता है। यहां पर प्रॉब्लम क्या होती है कि अस्पर्श यानी जिनके स्पर्श करने से आप मैले हो जाएंगे, या फिर आपकी आत्मा मैली हो जाएगी, या फिर आपको शुद्धि करवानी पड़ेगी, ऐसी जातियों का भी उल्लेख यहां पर किया गया है। अब यह जातियां कौन कौन सी हैं? जैसे चांडाल, पाराशर, ये मुख्यतः उस समय की जातियां हैं जो साफ सफाई इत्यादि काम करते थे, जो शमशान का काम कर रहे थे, तो उनको बहुत अस्पर्श जाति माना जाता था। और चांडालों का मुख्य रूप से यहां पर हम उल्लेख कर सकते हैं कि जो चांडाल है उसके लिए तो ये कहा गया है कि उसको तो हमेशा नगर के बाहर रहना चाहिए, और जब वो नगर में आए तो उसे लकड़ी पीटते हुए अंदर आना चाहिए, यानी जैसे ऐसे आवाज करता है, ऐसे आवाज करता आएगा तो दूर से अंदाजा पड़ जाएगा कि आखिरकार चांडाल नगर में प्रवेश कर रहा है, और उसके लिए रास्ता छोड़ दिया जाता था और किसी को भी उसके आसपास में नहीं रखा जाता था। तो चांडाल के आने की सूचना उसे देनी पड़ती थी लाठी बजाकर, और उसे नगर के बाहर रहना पड़ता था, मरे हुए जानवरों को इधर से उधर फेंकना, और जो मरे हुए व्यक्ति है उनका अंत्येष्टि क्रिया करवाना, उनके अंतिम संस्कार करवाना, ये काम चांडाल करता था। तो इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में अछूत जातियां या अस्पर्श जातियों का उल्लेख मिलना शुरू हो जाता है। तो अब क्या है, जाति व्यवस्था का भी उद्गम हो जाता है, जाति व्यवस्था पनपना शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहां पर एक तरह से मिश्रण काल आ गया। अब हम इसके आगे की बात करते हैं कि समाज का वर्गीकरण हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब इसके आगे क्या रहा। समाज का वर्गीकरण हमारा कंप्लीट है, अगला है परिवार। तो परिवार समाज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई मानी जाती थी। परिवार क्या है? परिवार जो है वो सबसे महत्वपूर्ण इकाई मानी जाती थी, जो कि बहुत आवश्यक थी उस समय। अब परिवार क्या है? परिवार क्या है? कुछ जनों का समूह है, कुछ जनों का समूह है। परिवार के जो
बड़े होते थे उनको हम क्या कहते हैं, कुलप कहते थे, कुलप कह रहे हैं उन्हें, या फिर घर का मुखिया। और घर का मुखिया कौन होता था, पिता घर का मुखिया होता था, या उसमें जो सबसे बड़ा श्रेष्ठ व्यक्ति या ज्येष्ठ व्यक्ति जो होता था उसे परिवार का मुखिया माना जाता था। ज्येष्ठता के आधार पर परिवार का मुखिया चुना जाता था। और परिवार में जो व्यवस्था थी वो कौन सी थी, पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी। तो परिवार में पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, परिवार के मुखिया को कुलप बोलते हैं, पिता या घर का बड़ा व्यक्ति ही वो वहाँ पर मुखिया होता था, उसकी पत्नी गृह स्वामिनी होती थी। अब हम आगे बात करें, परिवार में संयुक्त परिवार व्यवस्था थी। कौन सी परिवार व्यवस्था है, संयुक्त परिवार व्यवस्था है। तो मुखिया को क्या बोलते हैं, कुलप। मुखिया को क्या बोलते हैं, कुलप बोलते हैं। फिर इसके आगे की बात करते हैं, पितृसत्तात्मक। फिर इसके आगे की बात करते हैं, पितृसत्तात्मक हो गया, उसके आगे क्या होगा कि पिता या ज्येष्ठ मुखिया होता था और संयुक्त परिवार व्यवस्था थी। तो ये उस समय की पारिवारिक विशेषताएं हैं, ठीक है। परिवार में सभी को अधिकार थे, परंतु जो घर के बाहर के बाहरी क्षेत्र के जो निर्णय है वो घर का मुखिया लेता था, और घर के आंतरिक निर्णय कौन है, उस मुखिया की पत्नी लिया करती थी। तो इस प्रकार के घर के आंतरिक निर्णय और घर के बाहरी निर्णय बांटे हुए थे। घर का मुखिया बाहरी निर्णय लेता था और घर की जो गृह स्वामिनी थी वो आंतरिक निर्णय लेती थी। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं भी उस समय प्रचलित थी। अब तो हमारे परिवार में जो पहले से चलता आ रहा वो का वो ही था यहाँ पर। इसके आगे की डिस्कशन करते हैं, जो हमने यानी ऋग्वैदिक काल में पढ़ा है लगभग लगभग वैसा ही अध्ययन यहाँ पर है, वैसा ही अध्ययन हम यहाँ पे कर रहे हैं। विवाह, अगला पॉइंट है विवाह, कि जो उत्तर वैदिक काल है उसमें भी विवाह एक महत्वपूर्ण आवश्यक कार्य माना गया और उसको समाज में एक कह सकते हो जरूरी तरीके से उसका प्रयोग किया गया। एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत आवश्यक था कि आप किसी प्रकार से जुड़े रहें, यानी संसार में अगर आपको गति रखनी है या संसार में अपना स्थान रखना है तो आवश्यक था उसे कि वह विवाह करे, ठीक है। उसको विवाह करना पड़ता था, विवाह करना उसके लिए एक आवश्यक दायित्व था, तो उसको विवाह करने की पाबंदी थी, विवाह करना जरूरी था, सामाजिक दायित्व था और उसका एक कर्तव्य माना जाता था। तो विवाह को एक आवश्यक कार्य माना गया है। अब क्या है, उत्तर वैदिक काल में आते आते विवाह में हम कह सकते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों की रजामंदी से विवाह होते थे, यानी दोनों से उनकी इच्छा और उनकी मनमानी विवाह होते थे उस टाइम तो। और एक चीज और चेंज आया कि अब विवाह के प्रकार बदल गए। अब क्या है, विवाह के प्रकार बदल गए हैं, अब विवाह 8 प्रकार से होने लग गया, ठीक है। जिनमें से कुछ विवाह के प्रकार मैं आपको बताता हूँ, देव विवाह हुआ, ब्रह्म विवाह हुआ, असुर विवाह हुआ, पैशाच विवाह हुआ, गंधर्व विवाह हुआ, असुर विवाह हुआ। तो इस प्रकार से विवाह प्रचलन उस समय हो चुका था। तो लगभग 8 प्रकार के विवाह उस समय प्रचलित थे और उस तरह के क्या है कि धीरे धीरे ये परंपराएं विकसित होने लग गई। विवाह को यानी सबसे यानी कह सकते हो महत्वपूर्ण दायित्व माना जाने लग गया। अब हम इसके आगे की बात करते हैं, रहन सहन। रहन सहन की बात करते हैं तो रहन सहन में बात आती है कि आखिरकार कि वो लोग रहते थे किस प्रकार से, खाते पीते थे। तो वो उस समय जो लोग हैं वो संयुक्त परिवार में रह रहे थे, तो अब क्या उनका जो घर है वो काफी बड़ा भी होता था। अब एक घर में संयुक्त परिवार व्यवस्था थी, सभी प्रकार के रिश्ते उसी समय उस परिवार में मौजूद होते थे। अब इसके आगे की बात हम करते हैं कि जब वो वहां पर उपलब्ध है, सब एक संयुक्त परिवार में रह रहे हैं, तो अब उनकी व्यवस्थाएं भी वहां पर डेवलप थी। अब क्या खान पान जो है उसका हमने अलग से बना रखा है यहाँ पे पॉइंट, परंतु रहते और पहनते क्या थे उसकी बात करते हैं कि मुख्यतः वो सूती वस्त्र पहनते थे, रेशमी वस्त्र भी पहनते थे, अमीर वर्ग रेशमी वस्त्र पहनते थे, मलमल के कपड़े पहनते थे। फिर इसके साथ में मुख्य रूप से धोती और साड़ी तरह का कुछ पहना जाता था, आदमी पगड़ी पहनते थे,
स्त्री पुरुष दोनों के दोनों आभूषण पहना करते थे, सौंदर्य प्रसाधन उपलब्ध थे, वह लालिमा वगैरह इस तरह की प्रयोग करते थे अपने मेकअप के लिए, और इसके अलावा वह क्या है कि अपने आप को यानी कह सकते हो कि उनके जो वस्त्र हैं वो कढ़ाई ही यानी उन पर कढ़ाई की हुई होती थी, उनको सुंदर बनाया हुआ था, तो उसके ऊपर यानी क्या सीधे साधे वस्त्र भी नहीं थे, उसमें कह सकते हो डिजाइनर कपड़े जो बोलते हैं हम उस तरह के भी थे। अब हम इसके आगे की बात करते हैं, कपड़े हो गए, आभूषण हो गए, अब बहुत बड़े घर में निवास कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने घर के लिए बहुत सी चीज़ें हमें वहाँ पर दिखाई देती हैं कि वह अब क्या वैभवशीलता, क्योंकि नगर इस समय स्थापित होना शुरू हो जाते हैं, कुछ नगरों की स्थापना हो जाती है, तो व्यापारिक लाभ उन्हें मिलना शुरू हो जाता है। अब यह जो है अपने आसपास के क्षेत्र से काफ़ी ज़्यादा सरोकार उन्होंने रखने लग गए। अब इन्होंने रहन सहन जब इसका शुरू हो गया तो इनको बहुत से दायित्व इनके ऊपर आके गिर गए। अब जिनमें मैं आपको एक दायित्व बताता हूँ कि इनके तीन ऋण कौन कौन से हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और मनुष्य ऋण, जिसमें उनको ये चुकाना आवश्यक होता था। देवताओं का ऋण कि उन्होंने हमें जन्म दिया है, पितृ ऋण हमारे जो पितृ हैं उनके देवता जो हमारे पूर्वज हैं उनका ऋण हम पे है, फिर जो मनुष्य ऋण है वो अतिथि ऋण है एक तरह से, कि अतिथि को भी हम सम्मान प्रदान करें, उसको खाना खिलाएं, उसकी सेवा करें, ये सब बातें उस समय प्रचलित हो गई थी। फिर हम बात करते पंच महायज्ञ प्रचलित हो गए थे, ठीक है, पंच महायज्ञ प्रचलित हो गए, पुरुषार्थ इस समय लागू हो गए थे, पुरुषार्थ की कल्पना इस समय आ चुकी थी, तो रहन सहन के साथ साथ पे बहुत सी विचारधाराएं यहाँ पर आ चुकी हैं। तो एक तो मैं बता रहा हूँ कि जो पंच यज्ञ, तीन ऋण हो गए, पंच यज्ञ हो गए, चार पुरुषार्थ हो गए, चार आश्रम हो गए, ये कल्पनाएं इस समय प्रचलित हो चुकी थी। तो पंच यज्ञ जो उन्हें करने पड़ते थे, त्रिऋण तीन ऋणों से मुक्ति, चार पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष, और जो आश्रम है ब्रह्मचार्य गृहस्थ संन्यास वानप्रस्थ, ये उस समय काफ़ी प्रचलित हो चुके थे। तो ये आश्रमों की परिकल्पना, जो पुरुषार्थों की परिकल्पना है, जो ऋणों की परिकल्पना है, वो उत्तर वैदिक काल की ही देन है। तो ये किस समय प्रचलित होती है, उत्तर वैदिक काल में प्रचलित होती है। तो ये चैप्टर में हमारे यहाँ पर जुड़ जाएंगे। अब हम इसके आगे की बात करेंगे कि मनोरंजन और खान पान, किसकी बात करेंगे हम, मनोरंजन व खान पान की, ठीक है। खान पान में यह है, मैं वही बात कर रहा हूँ, दो तरह के खान पान थे, शाकाहारी और मांसाहारी, दोनों प्रकार का यह भोजन किया करते थे। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन कर रहे हैं, मुख्य तौर पे शाकाहार के तौर पे वही भोजन के प्रयोग में ले रहे हैं जो पहले से लिया जा रहा था, ठीक है, कुछ अलग से इन्होंने प्रयोग में नहीं लिया है। जैसे कि अब यह है गेहूं खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, जो खा रहे हैं उड़द, मूंग, चना, सरसों, तिलहन, इनका प्रयोग वह मुख्य रूप से कर रहे हैं अपने खान पान के लिए। फिर हम इसके आगे की बात करते हैं कि खान पान अब मांसाहार में क्या खा रहे हैं, मांसाहार में खा रहे हैं सुअर, मुर्गा, हिरण, कछुआ, मछली, इस प्रकार के वह मांस खाते थे, जो कि शिकार और मुख्य तौर पर कह सकते हो पशुपालन के आधार पर इन्होंने ये मांसाहार का प्रयोग किया है। शाकाहारी मांसाहारी भोजन हो गया। अब पान यानी पीने में इनको क्या प्रयोग, सभी उस समय दूध, दही, घी, छाछ, इस तरह के जो डेली रूटीन में उनकी डाइट थी। अब इसके अतिरिक्त जो हम पान में यहाँ पे स्पेशली सुना चाहते हैं कि शराब और सोमरस, शराब और सोमरस, ये दो तरह के पान वो जरूर करते थे। शराब मतलब वो यानी नशा करते थे, अल्कोहल पीते थे, और सोमरस यानी सोमलता से बनने वाला लिक्विड सोमरस होता है, ठीक है, उसका भी पान यह किया करते थे। तो इस तरीके से उस समय खान पान में प्रचलित था, दो दही छाछ घी, ये उस समय प्रचलन में है। अब बात करते हैं मनोरंजन की, मनोरंजन के लिए क्या कर रहे हैं, मनोरंजन के लिए लोग उस समय क्या कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा क्या कह सकते हो कि एक्टिव यानी फिजिकली एक्टिव जो रहे उन खेलों को ज्यादा खेलते थे, जैसे मलयुद्ध हुआ, शिकार हुआ, रथ दौड़ हुआ, घुड़दौड़ हुआ,
और मलयुद्ध हुआ, और जो एक तरह से कह सकते हो कि प्रतियोगिताएं होती थी, तरह तरह की संगीत समारोह आयोजित किए जाते थे, पास्य का खेल खेला जाता था, शतरंज खेला जाता था, तो इस प्रकार के खेल उस समय प्रचलित थे। तो यह क्या है, फिजिकली जो मोस्टली गेम ज़्यादा खेला करते थे। अब जो बच्चे होते थे और जो स्त्रियां होती थी उनके लिए संगीत और जो कह सकते हो बच्चों के लिए खिलौने का काम भी किए जाते थे, खिलौने भी बनाए जाते थे बच्चों को खेलने के लिए, और जो स्त्रियां हैं वो गायन और इन चीज़ों के अंदर काम किया करती थी। तो इस प्रकार से कहे कि एक तरह से बहुत अच्छा माहौल उस समय तब्दील था कि वो लोग बहुत अच्छे से यानी कह सकते हो अपने आप में सेलिब्रेशन क्रिएट करते थे और मनोरंजन के विभिन्न साधन उस समय उपलब्ध थे। तो समाज का वर्गीकरण हो चुका है, परिवार हो चुका है, विवाह हो चुका है, रहन सहन हो चुका है, खान पान मनोरंजन हमारा हो चुका है। अब इस समय हमारे जो मुख्यतः जो चार पांच चीज़ें नहीं जुड़ी हैं वो मैं बता देता हूँ। चार पांच चीज़ें नहीं क्या जुड़ी है, पहले चार वर्ण जुड़े हैं, चार वर्ण जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चार वर्ण जुड़ चुके हैं। अब वो स्पष्ट तौर पर उपलब्ध हैं, अब उनका आपको बताना पड़ेगा कि चारों वर्ण क्या क्या काम कर रहे हैं, किस किस तरह के चार वर्ण काम कर रहे थे, तो वो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। फिर जो सेकंड पॉइंट जुड़ा है वो ये जुड़ा है कि यहाँ पर अछूत और अस्पृश्य जातियाँ आ चुकी हैं, अछूत और अस्पृश्य जातियाँ आ चुके हैं, ये आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। फिर जो थर्ड पॉइंट जुड़ा है वो जुड़ा है क्या कि आठ प्रकार के विवाह प्रचलन में हो चुके थे, आठ प्रकार के विवाह प्रचलन में आ चुके हैं। फिर ये जुड़ गया, तीन जुड़ गए। चौथा पॉइंट जुड़ा है कि यहाँ पर पुरुषार्थ आ चुके हैं, पांचवा यहाँ पर आश्रम व्यवस्था आ चुकी है, छठा पॉइंट यहाँ पर त्रिऋण आ चुके हैं, सातवां पॉइंट यहाँ पर यज्ञ आ चुके हैं, पंच यज्ञ आ चुके हैं। तो इस तरीके से सात पॉइंट यहाँ पर अलग से आपको जोड़ने पड़ेंगे। तो इस तरीके से ये चीज़ें इसके अंदर हो चुकी हैं कि सामाजिक स्थिति के तौर पर हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। और बाकी देखा जाए तो इनके अतिरिक्त बाकी सारा का सारा जो कह सकते हो अध्ययन है वो लगभग समान ही है, उसमें कोई अंतर यहाँ पर दिखाई देता नहीं है। तो अब हम बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। पहला है कृषि व पशुपालन, दूसरा है व्यवसाय, तीसरा है व्यापार और वाणिज्य। यहाँ पे वाणिज्य में यहाँ पे व्यवस्थाओं के ऊपर लिखा है मैंने कि वाणिज्य क्या है, व्यवस्थाओं के ऊपर यहाँ पे पॉइंट हमने लिख दिया। तो इस प्रकार यह तीन पॉइंट प्रचलित है हमारे मुख्य तौर से उत्तर वैदिकालीन अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए, जिसपे कौन कौन सा है। पहला तो है कि पहला पॉइंट क्या है, कृषि और पशुपालन जो हमें रॉ मटेरियल उपलब्ध करवा रहा है। तो कृषि और पशुपालन क्या है, यहाँ पे हमें रॉ मटेरियल उपलब्ध करवाता है, तो इसका यहाँ पर विस्तृत अध्ययन हम करेंगे। अब हम बात करते हैं कृषि के कि उत्तर वैदिक काल में क्या है, वहाँ के जो लोग थे वो स्थायी रूप से एक जगह निवास करने लग जाते हैं, एक जगह पर स्थायी रूप से निवास करने लग जाते हैं। जब वो एक जगह पर स्थायी रूप से निवास करने लग गए तो उन्होंने क्या है, अपने आसपास में कई व्यवस्थाओं को डेवलप कर लिया, कई व्यवस्थाओं को उन्होंने आसपास में डेवलप किया, और उन्हीं व्यवस्थाओं के चलते क्या है, उन्होंने बहुत सी सुधार प्रचलित कर दिए। ठीक है, बहुत से सुधार उस समय प्रचलन में आ गए। अब उनमें हम बात करें कि किस प्रकार के सुधार उन्होंने किए, तो जो उस समय जो खेती की जाती थी उस समय खेती में कुछ चेंजेस हुए, जैसे कि जब पहले खेती की जाती थी उस प्रकार से अब खेती नहीं की जा रही है, उसके बजाय कुछ अलग तरीकों से खेती की जा रही है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ खेती के बारे में यहाँ पर किस प्रकार से, कि जो उस समय जो खेती की जा रही थी उस खेती में, पहली वाली खेती में क्या अंतर है कि जो उस समय जो कृषि की गई
वो एक तरह से कह सकते हो मौसमी कृषि ज्यादा थी, ठीक है। अब क्या स्थायी रूप से रहने लग गए, तो इन्होंने कृषि से जुड़ी व्यवस्थाओं को अपना लिया। अब इनके हल भी प्रॉपरली तैयार है, पहले जो हल थे वो केवल लकड़ी के बने होते थे, अब क्या है उनकी जो नीचे का नुकीला भाग होता है जो भूमि को जोतने में और भूमि गड्ढा करने के काम आता है उसमें लोहा लगाने लग गए। तो इससे क्या है कि उनकी तकनीकी विकास होना शुरू हो गया। तो उन्होंने क्या है कि कृषि में सुधार के प्रयास करने शुरू कर दिए, कृषि में मिश्रित खेती करना शुरू कर दिया, यानी एक खेती नहीं वो अलग अलग खेतियां भी करना शुरू कर दिया, एक के साथ वो एक और खेती साथ में चलाते थे, दो दो फसलें एक साथ बोना। मिश्रित खेती में क्या है, दो फसलें या उससे ज्यादा फसलें एक साथ बोना, तो ये काम करने लग गए। फिर जो हल है उसमें सुधार किया और उसको पक्का बनाया ताकि मजबूत बनाया ताकि अच्छे से खेती की जा सके और जो बुआई है वो अच्छे से अंदर गहराई में हो सके। फिर इसके आगे की बात की गई कि अब जो इनको हल बोने के लिए है वो गाय बैलों का प्रयोग किया जाता था, गाय बैल का प्रयोग हो रहा है। अब इसमें कई गाय बैल प्रयोग में लिए जा रहे हैं, आठ आठ दस दस बारह बारह गायें प्रयोग में ली जा रही है बोने के लिए। तो एक तरह से कह सकते हो बहुत बड़े क्षेत्र में खेती करना शुरू हो गए। इसे एक वर्ड और बोलते हैं इसके लिए फार्मिंग, यानी फार्म हाउस जो बनते हैं ना जहां पे बहुत विशाल मात्रा में खेती की जाती, उस तरीके से इन्होंने खेती करना शुरू कर दिया। अब खेती ये किस चीज की कर रहे हैं, वही फसलें हैं, गेहूं जौ चावल सरसों तिलहन दालें, तो यही खेती उस समय प्रचलन में थी। सब्जियां बोई जा रही हैं जैसे तरबूज हुआ, नींबू हुआ, अनार हुआ, ये जो कह सकते हैं इस तरह से आम हुआ, तो इस तरह के फल फ्रूट उस समय बोए जाते थे, सब्जियां बोई जाती थी, तो सब्जियां उपजाई जा रही हैं, फल फ्रूट उपजाए जा रहे हैं, तो अनाज उत्पन्न हो रहे हैं, तिलहन उत्पन्न हो रहा है, दालें उत्पन्न हो रही हैं, फल सब्जियां, इस तरीके से विविध प्रकार की खेतियां प्रारंभ हो चुकी थी। अब क्या है, खेती को केवल और केवल अपने भोजन के लिए नहीं कर रहे हैं वो, अब खेती का जो प्रयोजन है ना वो परिवर्तित हो गया। खेती का प्रयोजन परिवर्तित क्या हुआ है कि पहले जो खेती की जा रही थी उसमें क्या है कि जो खेती कर रहे हैं उसमें केवल और केवल ये दायित्व था कि आप है ना केवल और केवल क्या करें, जो खाने पीने योग्य है उतना ही उपजा लें, यानी ज्यादा खेती करने की जरूरत नहीं है। अब क्या है, उन्होंने इतना उपजाया कि उसको बेचा जा सके, उसका व्यापार किया जा सके, यानी अतिरिक्त उपज के लिए काम करना शुरू कर दिया, यानी एक्स्ट्रा आपके वो क्या है कि सोर्स हो उनके पास खरीदारी के लिए उपलब्ध हो, तो उसके लिए उन्होंने काम किया। फिर ये इस प्रकार खेती होगी पशुपालन। अब पशुपालन में हम बात करते हैं कि कृषि के सहायक के रूप में पशुपालन किया जाता है, कृषि के सहायक के रूप में पशुपालन किया जाता है। अब पशुपालन जो है, जो पशुपालन है वो किस प्रकार किया जा रहा है कि यह पशु मुख्यतः दुधारू है जिनसे दूध दही इत्यादि उपलब्ध हो सके, और इनकी गोबर को जो प्रयोग है वो खाद के तौर पे किया जाता। अब हम इसके आगे की बात करते हैं, कौन कौन से हैं, गाय बैल भैंस भेड़ बकरी मुर्गा कुत्ता सुअर इत्यादि पशुओं को वो पाला करते थे, और घोड़े उस समय पाला जाता था, घोड़े उनके प्रमुख माने गए। और सबसे ज़्यादा जो कैसे पशुपालन में सबसे ज़्यादा महत्ता है गाय की, और गाय के बाद में घोड़े की। तो यह प्रमुख पशु पाले जाते थे, पशुपालन कृषि के सहायक के तौर पे रखे जाते थे। अब क्या है, जो कृषि में जो अनाज होता था वो खुद खा लेते थे, और उसके अलावा जो बच जाता था उसका चारा बनाकर वो पशुओं को खिला दिया करते थे। तो इस प्रकार पशु क्या है उस कृषि के साथ में ही पल जाते थे। अब हम इसके आगे बात करते हैं व्यवसाय कि आखिरकार अब इस समय व्यवसाय कौन कौन से प्रचलित थे। तो जो हम बात कर रहे हैं कि उत्तर वैदिक काल में जो व्यवसाय है वो अलग अलग प्रकार के प्रचलन में थे। जैसे कि मैं अगर बात करूं कि उस समय खेती वगैरह में काफी कुछ खेती से जुड़े हुए सिद्धांतों के लिए उसके लिए, यानी हमें जो वैदिक साहित्य नहीं, हमें उपनिषद भी खेती के बारे में बता रहे हैं, हमें आरण्यक भी बता रहे हैं,
हमें पुराण भी खेती के बारे में बता रहे हैं, तो इस प्रकार से खेती का उल्लेख मिल रहा है, तो उसके साथ साथ में हमें क्या है यहाँ पर व्यवसाय का भी उल्लेख मिल रहा है। जो ऋग्वेदिक काल में व्यवसाय थे वो ही व्यवसाय उत्तर वैदिक काल में भी प्रचलित थे, तो उत्तर वैदिक काल में उसी प्रकार के व्यवसाय प्रचलन में थे। अब मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ कि आखिरकार कौन कौन से व्यवसाय उस समय प्रचलन में थे। तो इस समय जो व्यवसाय हैं वो मुख्यतः जैसे चर्मकार हुआ, धातु का उपयोग करने वाले हुए, तो इस प्रकार के व्यवसाय उस समय प्रचलित थे। जैसे चर्मकार हुआ, धातु का काम करने वाला हुआ, कुम्हार हुआ, जुलाहा हुआ, धोबी हुआ, स्वर्णकार हुआ, और जो कह सकते हो बढ़ई हुआ, लकड़ी का काम करने वाला, तो इस प्रकार बहुत से व्यवसाय उस समय प्रचलित थे। जो चमड़े काम कर रहा, चर्मकार प्रचलित था, धातु काम करने वाले लोग उपलब्ध थे, कुम्हार उपलब्ध थे मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए, जुलाहा कपड़े बनाने के लिए, धोबी कपड़े धोने के लिए, स्वर्णकार स्वर्ण आभूषण बनाने के लिए, रत्नों का काम करने के लिए, बढ़ई जो उस समय लकड़ी का काम है उसे करने के लिए, तो इस प्रकार बहुत से व्यवसाय प्रचलित थे। बहुत यानी अब क्या धीरे धीरे व्यवसाय प्रॉपरली सेपरेशन हो चुका है। अब सेपरेशन क्यों हुआ है, अब मैं यहाँ पर आपको व्यवसाय का नाम नहीं बता रहा, व्यवसाय को कारण बता रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि व्यवसाय तो वही प्रचलित है जो उत्तर जो ऋग्वेदिक काल में व्यवसाय थे वो के वो व्यवसाय यहाँ है, तो व्यवसाय में परिवर्तन नहीं आया। अब कारणों में परिवर्तन आया, कारणों में परिवर्तन क्या आया कि उत्तर वैदिक काल में कारण यह रहा कि उत्तर वैदिक काल में आते आते व्यवसाय जो है वो थोड़े से जटिल हो गए। एक्सप्लेन करता हूं कि अब क्या है, वर्ण व्यवस्था आ गई है, छुआछूत की बात चलने लग गई है, तो जब समाज में व्यवस्था जटिल होने लग गई, समाज का वर्गीकरण हो गया, तो अब क्या है, अब प्रॉपर व्यवसाय भी प्रॉपरली डिवाइड हो गए। अब ये काम यही व्यक्ति करेगा, उसके बाद में उसका बेटा करेगा, और इस प्रकार ये काम वंशानुगत चलता रहेगा, तो यह बात व्यवसाय में प्रचलन में आ गई है। तो इस प्रकार क्या है, उत्तर वैदिक काल में व्यवसाय क्या है, एक जाति और एक समुदाय की जागीर बन गया है, अब वह यही काम करेगा, इस प्रकार का डिसाइड हो चुका था। यह किस कारण हुआ है, वर्ण व्यवस्था के कारण यह हुआ है। तो उत्तर वैदिक काल में क्या है, व्यवस्थाएं है एक तरह से उनमें जटिलताएं आना शुरू हो जाती है। अब हम इसके आगे की बात करते हैं, व्यापार और वाणिज्य। आखिरकार उत्तर वैदिक काल में व्यापार किस प्रकार का था और वाणिज्य व्यवस्था किस प्रकार से चलती थी। तो जो उत्तर वैदिक काल है उसमें व्यापारिक व्यवस्थाएं पहले की तरह ही चलायमान थी। अब क्या है, व्यापार व्यापक रूप, यानी व्यापार किया जा रहा है, पहले भी कर रहे थे अब भी कर रहे हैं, परंतु अब व्यापार को बहुत व्यापक तरीके से देखा जाने लग गया, और व्यापारिक तरीके से व्यापारी जो है वो एक कह सकते हैं एक छोटे समुदाय में रहकर काम नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र में वह मिलकर काम कर रहे हैं। तो जो उत्तर वैदिक काल में है वो व्यापार और वाणिज्य क्या है, काफी ज्यादा विस्तृत हो चुके हैं, उनका काफी ज्यादा विकास हो चुका है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे व्यापार वाणिज्य का विकास किस प्रकार हुआ है। कि जो व्यापार के लिए पहले जब ऋग्वेदिक काल का इसका कंपेरिजन किया जाए, यानी उनमें तुलना की जाए, तो पहली चीज ये डिस्कस होती है कि ऋग्वेदिक काल में कबीला व्यवस्था थी, और इतना ज्यादा स्पष्ट तौर पर उस समय वो थी नहीं, उनके पास ज़्यादा कुछ बेचने के लिए था भी नहीं, गाय से वो खरीदारी कर रहे हैं। तो अब क्या है, इस समय क्या हो रहा है, उत्तर वैदिक काल में खरीदारी तो अभी भी विनिमय व्यवस्था से हो रहा है, विनिमय व्यवस्था से ही खरीदारी हो रही है, लेन देन तो विनिमय के द्वारा ही हो रहा है, परंतु अब क्या है, इनका जो सोर्स है वो बट गया है। यानी कैसे बटा है कि अब इन्होंने जो खेती है उसको व्यापक तौर पर प्रयोग में लेना शुरू कर दिया, कच्चे माल को इन्होंने व्यापक तौर पर लेना शुरू कर दिया है। जैसे कि इन्होंने खेती के लिए जो कच्चा माल होता था वो उपजाना शुरू कर दिया, कपास की खेती ज्यादा करने लग गए। अब खेती पहले क्या है, केवल अपने गुजारे के लिए करते थे, पहले मनुष्य क्या है, खेती अपने गुजारे के लिए किया करता था, परंतु उत्तर वैदिक काल में आके अब उसे व्यापारिक और अतिरिक्त, यानी कैसे अतिरिक्त कमाई के लिए उसे प्रयोग में लिया जाने
लग गया, तो बहुत ज्यादा खेती होने लग गई। जब उपज अधिक होगी, जब पैसा आपके पास बेचने के लिए अगर माल अधिक होगा तो आखिरकार वो बिकेगा भी, कहीं ना कहीं बिकेगा, चाहे कम पैसों में बिके पर बिकेगा। तो इस तरह क्या कि उसकी डिमांड ज्यादा हुई और फिर क्या इन व्यापारियों ने उस माल को खरीद कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा। अब इसमें हुआ क्या कि अब कृषि प्रधान हो चुके उत्तर वैदिकाल के लोग, तो अब इन्होंने क्या किया, पहले तो जैसे मैं बात करूं कि 10 बोरी अनाज है, अब मैं उसमें से मेरे घर के लिए मेरे को चाहिए 5 बोरी अनाज चाहिए, 5 बोरी अनाज क्या है मेरे एक्स्ट्रा है, तो मैं उसे क्या बेच दूंगा। तो अब मैं जिसको बेचूंगा मंडी में बेच दिया, मंडी क्या करेगी उसको व्यापार के लिए प्रयोग मिलेगी, क्या है उसे व्यापार में प्रयोग लेगी। तो इस प्रकार क्या है, अब क्या है? इस प्रकार से सभी लोगों को अतिरिक्त लाभ हुआ। पहले मंडी के पास 1000 बोरियां थी, तो वो 1000 बोरियां एक देश या दो देश तक पहुंचा देती थी, अब उनके पास 5000 बोरियां अनाज की आ गई, तो वो क्या है और अतिरिक्त देश यानी और अतिरिक्त व्यापारिक केंद्रों को देखने लग गई जहां पर वो अपना माल बेच सके, यानी वो अब मार्केट खोजने लग गई जहां पे उसका माल बिक सके। कई बार होता ना कि हमें कोई चीज बेचनी होता, पहले तो कुछ रेगुलर ग्राहक होते हैं, पर हम नए ग्राहकों को जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए हम अपनी मार्केटिंग करते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में क्या उन लोगों ने मार्केटिंग की और अन्य व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, भारत में भी व्यापारिक केंद्र स्थापित हुए नए, साथ में विदेशों में भी नए नए व्यापारिक केंद्र स्थापित हो गए, और इससे क्या है भारत का जो व्यापार है वो और भी अधिक बढ़ा। मिस्र है, मेसोपोटामिया है, फारस है, यूरोप है, इनके साथ हमारा व्यापार होता था। इधर हमारे मसाला द्वीप है जिनमें इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा ये प्रमुख रूप से है, श्रीलंका है, फिर हम इधर ऊपर बात करें चीन के साथ हमारा व्यापार हो रहा था, तो इन क्षेत्रों के साथ हमारे क्या व्यापारिक संबंध जुड़े हुए हैं। तो भारत के व्यापारिक संबंध किस किस से है, चीन से है, जापान से थे, नेपाल से, कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, श्रीलंका और फारस, मेसोपोटामिया क्षेत्र जो ईरान इराक का क्षेत्र है उसे कहते हैं, फिर हम बात करते हैं फारस की और फारस के बाद में हम बात करते हैं यूरोप की, यूरोपीय देशों तक भारत का व्यापार होता था। तो इस चीज की पुष्टि कई प्रकार के साहित्य किया करते हैं कि भारत का जो व्यापारिक केंद्र है वो छोटा मोटा केंद्र नहीं था और भारत का जो व्यापार है वो बहुत बड़ी मात्रा में आगे से आगे फैला हुआ था। अब हम इसके आगे बात करते हैं कि भारत का व्यापार इतना ज्यादा फैला हुआ था तो अब यह व्यापार कहाँ पे काम कर रहा है, इतने क्षेत्र में काम कर रहा है। व्यापारी वर्ग को कहते थे पणी, पणी शब्द प्रयोग में लिया जाता है व्यापारियों के लिए। अब व्यापारी क्या है अपने अलग अलग ग्रुप क्रिएट करने लगे, पहले तो सभी व्यापारी अपने थे उनमें कोई ग्रुप नहीं था, पर अब क्या हुआ कि जैसे 4-5 व्यापारी अलग क्षेत्र के व्यापारी थे तो जो अनाज का व्यापार करे वो अनाज का अलग ग्रुप बन गया, यानी पणी क्या है अपना अपना ग्रुप बना लिया उन्होंने कि अनाज का व्यापार करने वालों का ग्रुप अलग है, नमक और मसाले का काम करने वालों का ग्रुप अलग है, वस्त्रों का काम करने वाले व्यापारियों का ग्रुप अलग है। तो इस प्रकार उन्होंने ग्रुप क्रिएशन भी होना शुरू हो गए, यानी वो एक दल भी गठित करने लग गए, व्यापारी दल गठित होने लग गए और व्यापारी दल गठित होने से अब व्यापारियों के मुखिया भी चुने जाने लग गए। तो व्यापारी में भी क्या है एक तरह से सिस्टम होना शुरू हो गया। अब क्या है वो यूनियन बना रहे हैं, यूनियन बना के उसमें अपना ट्रस्टी या कह सकते हैं एक तरह से जो अध्यक्ष है वो चुन रहे हैं। तो वो एक तरह से वही बात होगी कि जिस प्रकार से राजा चुना जाता है इसी प्रकार से व्यापार में व्यापारी अपने लिए एक राजा चुन रहे हैं, फिर उसके अपने नियम और उसकी अपनी मोहर होती थी। ठीक है, उनके अपने नियम होते थे, उनकी अपनी मोहर होती थी, सभी वो सब व्यापारी जो उस ग्रुप के हैं उनको वो बात माननी पड़ती थी। यानी कपड़े के व्यापारी बोल दिया कि इतने गज मीटर इतने रुपए के हिसाब से बिकेगा तो सभी व्यापारियों को उसी अनुसार बेचना था। तो इस प्रकार से उनके रूल रेवोल्यूशन लागू होते थे। हम अब इसके आगे की बात करते हैं। अब क्या है वाणिज्य में हम बात करते हैं, नापतोल की व्यवस्था उस समय उपलब्ध थी, नापने के लिए मीटर का प्रयोग किया जाने लग गया। ठीक है, स्केल्स प्रयोग में ली जा रही है, तोलने के लिए बाट का प्रयोग किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं ऋण है, ऋण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, व्यापारी वर्ग ऋण भी देता था और ऋण के साथ साथ में उन पर ब्याज भी लेता था। तो इसका वेकनाट शब्द प्रयोग में मिला है, वेकनाट शब्द यहाँ पे भी मिलता है, पहले भी मिल चुका है। तो ऋण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है हमें, नापतोल की व्यवस्था थी, सील लगाने मोहर की व्यवस्था थी, प्रत्येक व्यापारी की अपनी मोहर होती थी और वो व्यापारी मोहर किसी के साथ भी एक्सचेंज नहीं की जाती
थी। तो इस प्रकार क्या है कि उत्तर वैदिक काल में व्यापारिक व्यवस्था थोड़ी उन्नत हो चुकी थी, क्योंकि कृषि भी बहुत अच्छे से होने लग गई। तो इस प्रकार क्या है कि उत्तर वैदिक काल में आके कई व्यापारिक केंद्र स्थापित हो गए, नगरों की स्थापना हुई, और इन नगरीय केंद्रों के कारण क्या व्यापार समृद्ध हुआ। और व्यापार समृद्ध होने से क्या है कि उत्तर वैदिक काल की जो आर्थिक स्थिति है वो है भी अच्छी होने लग गई। तो इस प्रकार हम बात करें कि उत्तर वैदिक काल में जो व्यापारिक जो स्थिति है वो अब अच्छी हो चुकी है। उत्तर वैदिक काल में जो राजनीतिक स्थिति है हम उसका अध्ययन करेंगे कि उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक स्थिति किस प्रकार से थी। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे राजा या शासक किस प्रकार से था, यानी शासन किस प्रकार से है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर सभा व समिति का क्या रोल रहा। सभा और समिति के बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे रत्निन के बारे में, यानी जो अधिकारी के लिए प्रयोग में हो रहा है यहाँ पर रत्निन के बाद में हम यहाँ पर बात करेंगे कि कर व्यवस्था कैसी थी, और कर व्यवस्था के बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर न्याय व्यवस्था पे, न्याय व्यवस्था पे। तो इस प्रकार अब क्या है थोड़ी सी राजनीतिक व्यवस्था है वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। ठीक है, राजा और शासन के बारे में बात करते हैं कि उत्तर वैदिक काल में आकर क्या है राजा की स्थिति थोड़ी बड़ी हो जाती है। उत्तर वैदिक काल में क्या है कि राजा की स्थिति में परिवर्तन आता और राजा को एक ऊंचा पद मिल जाता है। जैसा कि ऋग्वैदिक काल में हो रहा था कि ऋग्वैदिक काल में राजा को चुना जाता था और उनके मुखिया के लोग उन्हें चुनकर राजा नियुक्त करते थे, ऐसा उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में नहीं रहा। अब उत्तर वैदिक काल में क्या है राजा क्या है, राजा का पद वंशानुगत हो चुका है। अब राजा के बाद में उसका बड़ा पुत्र गद्दी पर बैठता था, यानी ज्येष्ठता के आधार पर राजा का पुत्र गद्दी पर बैठता था कि आखिरकार राजा की मृत्यु के बाद में उसका बड़ा पुत्र ही गद्दी पर बैठेगा। परंतु साथ में योग्यता का भी ध्यान रखा जाता था कि योग्य व्यक्ति ही गद्दी का पर बैठे, यानी योग्य व्यक्ति ही गद्दी का वारिस हो। अब हम इसके आगे की बात करते हैं, आखिरकार वो इसके अतिरिक्त और क्या कर रहे हैं, गद्दी का वारिस तो नियुक्त कर रहे हैं पर राजा जो है वो अब क्या है अपने आप में व्यापकता ले चुका है। कैसे, क्योंकि उनका राज्य भी विस्तृत हो चुका है। कि पहले तो कबीला व्यवस्था थी तो बहुत छोटा सा राज्य था, परंतु जो उत्तर वैदिक काल में है उसका जो राज्य था उसे जनपद कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में जो राज्य है उसे जन कहा जा रहा है। थोड़ा सा समझने वाली बात है कि ऋग्वैदिक काल में राज्य को जन कहा जाता है, उत्तर वैदिक काल में आते ही वो जन जनपद बन जाता है। जनपद मतलब जन मतलब लोग, पद मतलब स्थान, यानी जनपद मतलब लोगों का राज्य, यानी स्थान लोगों का राज्य, एक समूह का स्थान हो गया। तो जनपद में जो शासन कर रहा है उसे क्या बोलते हैं, राजा बोलते थे। तो इस प्रकार क्या है जनपद की अवधारणा यहाँ पर आ चुकी है। अब जनपद की अवधारणा यहाँ पर आ चुकी है, तो जनपद की अवधारणा यहाँ पर आ चुकी है। जनपद की अवधारणा अब आने के बाद में हुआ यह है कि जनपद यानी लोगों का स्थान के समूह, यानी एक समूह में जैसे राजस्थान में इतने लोग रह रहे हैं तो राजस्थान कहलाए ना, तो उसी प्रकार से भारत में रह रहे हैं तो भारत हो गया, उसी प्रकार से यहाँ पर काम किया जाने लग गया। तो जनपद की व्यवस्था यहाँ पर आ जाती है। अब जनपद में मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या हुआ, राजा का पद व्यापक हो जाता है। अब वो है ना छोटी मोटी उपाधि धारण नहीं कर रहा, अब वो अपने आप को केवल राजा नहीं कहता है, अब वो राजा कहता है राजा एकराट, महाराजा दिराज, राजा दिराज, इस प्रकार की उपाधियां वो लेने लग गया। एक छत्र राज्य एकराट, इस प्रकार की उपाधियां उस समय के राजा लेने लग गए। तो राजा अपने पद को बहुत व्यापक दिखाने का कार्य भी कर रहे हैं। तो राजा का पद क्या है इस समय आकर व्यापक हो जाता है। तो इसका भी उल्लेख हम यहां पर करते हैं। अब हम इसके आगे की बात करते हैं कि आखिरकार इसके अतिरिक्त और क्या होता है। कि उत्तर वैदिक काल में जो राजा का इतना व्यापक तौर पर प्रयोग होने लगा, कि एक राट, राजाधिराज, महाराजाधिराज, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाने लग गया। अब वह क्या है तुलना कर रहा है अपनी, अब इस समय उत्तर वैदिक काल में तुलना क्या कर रहा है राजा, अपनी तुलना कर रहा है प्रजापति से। उत्तर वैदिक काल में राजा अपनी तुलना करता था प्रजापति से, प्रजापति कौन है, ब्रह्मा, ब्रह्मा से वह तुलना करता है।
और इसलिए वो कई प्रकार के यज्ञ करता था, जैसे कि उस समय अश्वमेध यज्ञ प्रयोजन में हो रहे हैं। अश्वमेध यज्ञ क्या है, चक्रवर्ती या फिर एक राट यानी एक छत्र राज्य की स्थापना के लिए किया जाता था और आस पड़ोस के सभी राजाओं को उसकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ती थी। अब हम इसके आगे की बात करते हैं कि एक छत्र एक राट राज्य हो गया, अब उसके अलावा क्या है। उसके अलावा ये है कि अब क्या है, उस समय जो मनुष्य है वो थोड़ा सा ना एक अलग प्रकार से माहौल क्रिएट करना शुरू कर देता है। तो अब राजा क्या है, अब राजा यज्ञ करना शुरू कर देता है, जैसे राजसूय यज्ञ वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ वाजपेयी यज्ञ, ये दो प्रकार के यज्ञ थे जो राजा इसलिए करता था कि वह अपने आप को देवीय सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है। राजा अपने पद को क्या है, देवीय सिद्ध करने का प्रयास करने लग चुका था, वह अपने आप को प्रजापति से कंपेयर करने लग जाता है। तो इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में हमें यह चीज दिखाई देती है। इसके बाद की हम बात करते हैं इसके आगे क्या होता है। अब इसके आगे जो है कि प्रॉब्लम कहां होती है कि राजा जो है उसकी पोस्ट बढ़ जाती है, राजा का पद बढ़ जाता है। अब पद बढ़ने के बाद में क्या होता है कि राजा का जो पद बढ़ गया, अपने आप को देवी सिद्ध करने लग गया, अब जो ब्राह्मण साहित्य है, उपनिषद साहित्य है, जो वैदिक साहित्य है, उन साहित्यों में ये उल्लेख मिलता है कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, ईश्वर की छाया है, इस प्रकार का उल्लेख हमें देखने को मिल जाता है। तो अब क्या है, राजा अपने आप को देवीय सिद्ध करने का प्रयास करने लग गया है। राजा अपने पद को क्या है, देवीय सिद्ध कर रहा है कि मेरी उत्पत्ति देवीय है। तो उस चीज का भी उल्लेख हमें यहां पर दिखाई देता है। अब हम इसके आगे की बात करते हैं कि राजा का पद देवीय दिखाई देने लग जा, अब इसके आगे क्या हुआ। राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, ये इस प्रकार के बड़े बड़े यज्ञ प्रयोजन में आने लग गए। अब इनके साथ में क्या, जैसे अग्निहोष्ट यज्ञ हो गया, पुरुषमेध यज्ञ हो गया, ये इस प्रकार के यज्ञ राजा अपनी प्रसिद्धि के लिए, अपने प्रभुत्व, अब जो अपना प्रभुत्व होता है, अपने जो दबदबा होता है उसको बढ़ाने के लिए उसने प्रयोग में लेना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार राजा क्या है, अपने आप का विस्तार कर रहा है, अपनी सेवाओं का विस्तार कर रहा है। राजा का पद हमारा कंप्लीट हो चुका है, राजा राज्य बढ़ चुका है। सभा समिति, सभा समिति, ये जो पॉइंट है सभा समिति, ये वैसा का वैसा ही है जैसे कि पहले से चलता हुआ आ रहा था, ठीक है, जैसे पहले चलता आ रहा है वैसे ही अभी था, ठीक है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे चलता आ रहा था, क्या था। सभा छोटी है, आकार में छोटी है, और जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो सभा में शामिल होते थे। समिति, सभी लोग जो होते थे, बुजुर्ग जो लोग होते थे, वो मुख्यतः किस में जुड़ते थे, समिति में। समिति का आकार बड़ा होता था, सभा का आकार छोटा होता था। तो इस प्रकार से सभा और समिति क्या है, इस समय दिखाई देती है, सभा और समिति का यूज होता है। ये जो पॉइंट है ये मैं ऋग्वेदिक काल में पढ़ा चुका हूं, तो इसको यहां पर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं, रत्निन। आखिरकार रत्निन क्या है, रत्निन का शब्द का जो अर्थ है वो है अधिकारी। यहां पर अर्थ है रत्निन का अधिकारी। जो रत्निन शब्द है उसका अर्थ है अधिकारी। अब अधिकारी यहां पर क्या है कि जो व्यक्ति अपने क्षेत्र के विस्तार के लिए काम करना चाहता था वो अब इसमें जुड़ चुका है। अपने क्षेत्र के विस्तार, अपनी प्रसिद्धि के लिए जो काम करना चाहता था वो इसके अंतर्गत आते थे। अब इनके अंतर्गत कौन आ रहा है, अब यहां पर रत्निन कौन है, रत्निन कहते हैं अधिकारियों को, अधिकारी वर्ग था रत्निन। अब ये जो अधिकारी वर्ग है ये कौन सा वर्ग है, यह वह अधिकारी वर्ग है जो राजा के सहायक के रूप में कार्य कर रहा था। अब ये रत्निन कहलाते थे। अब इनकी संख्या अलग अलग बताई गई है, इनके रत्निनों की संख्या क्या है वो अलग अलग बताई गई है कि जो रत्निन है वो एक नहीं है, वो अनेक है। वो किस रूप से है,
राजा के प्रमुख अधिकारी या राजा के प्रमुख जो कर्मचारी है वो रत्निन कहलाते थे। अब मैं आपके बात कर रहा हूं कि रत्निन कौन कौन से है, जिनमें से एक रत्निन तो आपके हैं महिषी, महिषी है, पुरोहित है, युवराज है, सूत है। महिषी, युवराज, पुरोहित, सूत। महिषी का मतलब है पटरानी यानी उसके राजा की पत्नी, युवराज मतलब उसका बड़ा बेटा, पुरोहित मतलब जो वैदिक कार्य करवाता था वो, सूत जो रथ चला रहा है उसको बोलते हैं बागदथु। बागदथु वो व्यक्ति था जो कर लेता है, ठीक है। ग्रामणी जो ग्राम का अधिकारी है वह पालागल, पालागल जो होता है कि संदेश वाहक का काम कर रहा है वह होता है। तो इस प्रकार से ये प्रमुख अधिकारी थे, जैसे पालागल हुआ, पालागल हुआ, बागदथु हुआ, ग्रामणी हुआ, सेनानी हुआ, तो सेनानी सेनापति हो गया, ग्रामणी ग्राम का अधिकारी हो गया, बागदथु जो टैक्स लेता है यानी कह सकते हो टैक्स को इकट्ठा करने काम कर रहा है, पालागल जो है वो कौन है, संदेश वाहक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश ले जाने का काम कर रहा है। सूत कौन है, सूत होता है जो राजा का रथ चलाता था। पुरोहित कौन है, जो यज्ञ इत्यादि कर रहा है। तो इस प्रकार ये विविध प्रकार के रत्निन प्रचलित थे। तो कई लोग तो इसे बोलते हैं 11 रत्निन थे, कई इसे 14 बोलते हैं, और कई लोग बोलते हैं इनकी संख्या 18 थी। इनमें से क्या है टोटल जो सही मानी जाती है वो 11 रत्निनों की संख्या है, कि 11 रत्निन उस समय प्रचलित थे, 11 रत्निनों की संख्या थी। अब हम बात करते कर, तो अब अगला जो पॉइंट है हमारा यानी सभा समिति हमारा कंप्लीट हो गया, रत्निन कंप्लीट हो चुका है, राजा हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब कर व्यवस्था का हम उल्लेख करते हैं, आखिर टैक्स किस प्रकार से था। तो जो कर है वो इस प्रकार से था कि जो कर उस समय लिया जाता था उसको कर न बोलकर वो बोलते थे बलि। क्या बोलते थे, बलि। कर के लिए प्रयोग में हो रहा है बलि, और बलि यानी कर को इकट्ठा करने वाला कौन है, बागदथु। यानी कर को इकट्ठा करने वाला काम कौन कर रहा है, बागदथु नामक अधिकारी कर रहा है, बागदथु नामक अधिकारी है। और कर को क्या बोलते हैं, बलि बोलते हैं। अब ये कर क्या है कि राजा अलग अलग प्रकार से वसूल करता था, मुख्यतः एक तिहाई भाग जो है कर के रूप में लिया जाता था। भू राजस्व यानी भूमि से जो कर प्राप्त होता था, उस भूमि से जो कर प्राप्त होता था उसका एक तिहाई भाग कर के रूप में राजा के पास में आता था। अब क्या है, धीरे धीरे कर व्यवस्था को प्रयोग में लिया जाने लग गया। ऋग्वेदिक काल में जो कर है वो किसान और व्यापारी अपनी मनमर्जी से राजा को देते थे, अपनी मनमर्जी से, कोई फिक्स कर था नहीं कि इतना कर ही देना है, कर व्यवस्था उस समय फिक्स नहीं थी। पर उत्तर वैदिक काल में क्या है, कर व्यवस्था फिक्स हो जाती है। अब कर क्या फिक्स उन्हें देना पड़ता था। एग्जाम्पल देता हूँ फिक्स कैसे देना पड़ता है, कि अब जो कर है उन्हें फिक्स 1/3 देना ही देना है। कैसे बता रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल के तौर पर सुनिए से, कि अब उन्हें जो 1/3 दे रहा है टैक्स के रूप में, तो वो जमा करवाते थे अनाज के रूप में, राजा को किस रूप में दे रहे, अनाज के रूप में। इस समय पैसा ज़्यादातर प्रचलित था नहीं, इसे पैसा ज़्यादा नहीं था, तो इसलिए क्या अनाज के रूप में कर जमा हो जाता था। व्यापारी वर्ग से भी चुंगी वसूल की जाती थी, व्यापारी वर्ग से जो है वो क्या है, चुंगी वसूल की जा रही है, ठीक है। अब उसके राजा के क्षेत्र में आया तो उससे क्या है, व्यापारी से चुंगी वसूल कर ली, कि तुम व्यापार करने आए इतना पैसा तुम्हारा, इतना माल है इसके अकॉर्डिंग इतनी चुंगी तुम्हारी लगेगी। चुंगी कर उन्हें देना पड़ता था, उन्हें सीमा का टैक्स, सीमा शुल्क बोलते हैं इसे एक तरह से, तो सीमा शुल्क देना पड़ता था। राज्य में व्यापार करने के लिए व्यापारी को सीमा शुल्क देना पड़ता था, विदेशी व्यापार के लिए भी उसे शुल्क देना पड़ता था। तो इस प्रकार से चुंगी के माध्यम से टैक्स मिलता था व्यापारियों से, और जो आम लोग थे उनसे कैसे मिल रहा है, उनसे कृषि भू राजस्व के माध्यम से टैक्स मिलता था। तो अब जो टैक्स है वो प्रॉपरली फिक्स हो गया, जो कर है वह निश्चित मात्रा में राजा के पास पहुंचना शुरू हो जाता है, निश्चित मात्रा में कर राजा के पास पहुंच रहा है। कर को अब क्या है, डायरेक्टली कहां लिया जा रहा है, काम में, राजा अपने लिए प्रयोग में ले रहा है, राजा अपने लिए प्रयोग में ले रहा है। अब इसके आगे की बात कर रहे हैं, ये सीधा भाग कहां जा रहा है, राजा के खजाने के अंदर। अब इस प्रकार से कर व्यवस्था विकसित होने से क्या है कि इसके लिए अधिकारी जो नियुक्त किया गया उसे क्या बोलते हैं, बागदथु
बोलते हैं। भाग दद्दू उस समय का प्रमुख अधिकारी था जो टैक्स का काम करता था। तो टैक्स व्यवस्था उस समय आ चुकी है। न्याय व्यवस्था की बात कर लेते हैं अब कि उस समय जो न्याय व्यवस्था है वो भी काफी अच्छे रूप में प्रचलन में थी। तो वैदिक कालीन जो साहित्य है वह ये मानते थे कि जो राजा है उसे न्याय का काम बहुत अच्छे से करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि वैदिक कालीन साहित्य में यह बताया गया कि जो भी राजा कर्म है सभी कर्म आवश्यक है, परंतु न्याय का कर्म सबसे अच्छा कर्म माना जाता है। राजा सबसे बड़ा न्यायाधीश है। राजा सबसे बड़ा क्या है? न्यायाधीश है। राजा सबसे बड़ा न्यायाधीश है। राजा क्या है? सबसे बड़ा न्यायाधीश है। अब यह जो न्यायाधीश है ये क्या काम कर रहा है? न्याय देने का काम कर रहा है। तो राजा को सबसे पुनित यानी पुण्य देने वाले कर्मों में से एक क्या बताया गया? न्याय प्रदान करना बताया गया है। तो उत्तर वैदिक काल में राजा ने न्यायिक व्यवस्था भी विकसित कर दी है। अब न्याय जो है, न्याय मुख्य रूप से एक कह सकते हो कि धार्मिक प्लस उसके राजनीतिक कार्यों में जुड़ चुका था। तो न्याय प्रमुख रूप से प्रदान किया जा रहा है। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश है। राजा का जो निर्णय है वो ही अंतिम निर्णय माना जाता था। ग्राम में जो न्याय है यानी गांव में जो न्याय प्रदान किया जाता था वो ग्रामणी प्रदान करता था। ग्रामणी उसके लिए नियुक्त था। अब जो न्याय प्रदान करने के लिए है वो पुरोहित वर्ग सहायक के रूप में था। पुरोहित वर्ग क्या है? वैदिक जो नियम है, जो वैदिक नियमावली है, धर्म सूत्र है, उनके अनुसार राजा को गाइड करता था कि आखिरकार इस अपराध के लिए आपको ये सजा देनी है। तो पुरोहित वर्ग उसमें सहायक के रूप में काम कर रहा है और सैनिक वर्ग नियुक्त था जो बंदी बनाने के लिए प्रयोग में लिया जाता था। उस समय स्पष्ट रूप से कारागृह जैसी व्यवस्था नहीं थी, जो है कि उस समय जो कारागृह यानी कह सकते हो जेल नहीं थी, वह लोगों के लिए क्या था उस समय? एक छोटी सी व्यवस्था थी कि या फिर तो वो धन देकर या जुर्माना भरकर छूट जाते थे या फिर उनका अंग भंग कर दिया जाता था। तो अंग भंग द्वारा या फिर जुर्माने के द्वारा उनको दंड दिया जाता था। तो राजा की न्याय व्यवस्था उस समय काफी प्रचलित थी। राजा का भय उस समय सभी के अंदर व्याप्त था। तो इस प्रकार का उल्लेख हमें वहां पर मिलता है। राजा का पुनित कर्तव्य है। सर्वोच्च न्यायाधीश कौन है? राजा है। दंड व्यवस्था के लिए पुरोहित का सहयोग ले रहा है। लोगों को पकड़ने के लिए सेना का प्रयोग ले रहा है, सैनिकों का प्रयोग ले रहा है। कारागृह उस समय प्रयोग में लिए नहीं जा रहे हैं। मुख्य रूप से वह दंड के रूप में जुर्माना लगा देता था, आर्थिक जुर्माना या फिर उसके अंग भंग की सजा दी जाती थी। गांव में जो है ग्रामीण या गांव का मुखिया ही न्याय किया करता था। तो इस प्रकार क्या है कि उत्तर वैदिक काल में न्याय व्यवस्था विकसित थी। अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और कवर देता हूँ सेना के बारे में कि सेना कैसी थी। तो इस समय जो है स्पष्ट रूप से सेना विकसित नहीं थी, परंतु सेना के चार प्रकार बताए गए हैं। हस्ती सेना यानी हाथी की सेना, रथ सेना, घुड़ सेना और जो पैदल सेना है। इसके अलावा कुछ स्थानों पर नौ सैनिकों का भी उल्लेख मिलता है, यानी नौ सेना भी थी। पर ये चार प्रमुख सेना थी, हाथियों की सेना थी, घोड़े की सेना थी, जो रथ सेना थी और पैदल सेना थी। सेना का विभाजन था। स्थाई सेना का हमें उदाहरण नहीं मिलता है। जो सेना है वो स्थाई रूप से नहीं थी, परंतु जब आवश्यकता पड़ती थी तो सैनिक भर्ती किए जाते थे। तो इस प्रकार सेना का भी उल्लेख हमें मिलता है। इस तरीके से हमारा उत्तर वैदिक काल का जो चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो उत्तर वैदिक काल का हमारा जो चैप्टर है वो अब हमारा कंप्लीट है। राजनीतिक हो चुका है, धर्म हो चुका है, अर्थ हो चुका है। तो इस तरीके से हमने उत्तर वैदिक काल के जो चारों पॉइंट है वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे।